than half an hour. I struck, as you know, in the daily traffic jams. कहीं मेट्रो बन रही है तो कहीं खड़ रही है, कहीं अंडर पास तो कहीं ओवर पास. अब पता नहीं कौन जो लगेगा, मल्टी डायमेंशनल लगेगा, स्ट्रक्चरल इंप्रेशन मॉडल लगेंगे, फैक्टर एनालिसिस लगेगा, ये तो लगाने वाले जाने. लेकिन डेफिनेटली थिंग्स आर ऑलमोस्ट क्योटिक. एक्चुअली आई हैव बीन वर्किंग विद मैक्रो इकोनॉमिक डेटा थ्रू आउट माई लाइफ. बीइंग ए ट्रेन स्टैटिस्टिशियन और एमएससी स्टैटिस्टिक्स विद ओआर इन मैथमेटिक्स एज द नेक्स्ट सब्जेक्ट्स अलोंग विद स्टैटिस्टिक्स, बिकॉज द स्टैटिस्टिक्स कैन नॉट गो विद मैथमेटिक्स विदाउट मैथमेटिक्स लाइक देम सब्जेक्ट्स. And then working with the economists, throughout my life I worked with the macroeconomic data, not the socio-economic or sometimes socio-economic, but जो management वाले बच्चे या students और teachers करते हैं, ये जो आप हम discuss कर रहे हैं day to day marketing etc. वो सब I have never come across because of being my placement in the department or the projects or the research activity or the teaching. But anyway, while searching data for India or different countries through some freely available जो public domain में data पड़ा हुआ है, like World Bank data है, IMF है, या many other organizations, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन दुनिया की, उनका जो डाटा है वो पब्लिक डोमेन. इवन आरबीआई इज गिविंग लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिया. आरबीआई की साइट पे जाके लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन एवरी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर, वी हैव लॉट ऑफ डाटा. जो आप इंटरेस्टेड हैं वो यू कैन डाउनलोड डेली, मंथली, वीकली, एनुअली टाइम सीरीज डाटा अक्रॉस डिफरेंट वेरिएबल्स. सो व्हाइल सर्चिंग सम डाटा, आई डोंट रिमेंबर द साइट एग्जैक्टली, I came across some charts, two axis जैसे हम graph खींचते हैं, and that was regarding these developing countries, developed countries, advanced countries और वगैरह वगैरह different parameters. So it's very while searching that data, and that was very well placed or well prepared data or map जो था, और उसमें बड़ा बहुत ही बढ़िया ढंग से उन्होंने दिखाया हुआ था कि हम कहां, यानी कि इसमें बहुत सारे देशों का उसमें जैसे चार्टर बनाई है, तो मैं सुनिए यू कैन कंपेयर विद स्कैटर डायग्राम, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो दे वर कंट्रीज, दो पॉइंट्स वर भी बेसिकली की कंट्रीज ऑन दैट चार्ट और डायग्राम. एंड somewhere on top of the chart or somewhere below the chart, there was little multi-dimensional scaling or perceptual map, something like that was. So I struck the doubt कि ये तो वही है जो हम multi-dimensional scaling में कराते हैं, chart दिखाते हैं. Here I need to say is कि the topic which you are going to cover is so widely used in our research for our own convenience for different purposes in our day-to-day life. This is the meaning जो मैंने आपको अभी तक भूमिका जमाई थी, ये भूमिका जमाते हैं ना टॉपिक से पहले, वो भूमिका थी तो पढ़ क्यों रहे, क्यों क्यों पढ़े हम इसको, क्यों डिस्कस करें हम इसको, कहां जरूरत पड़ती है इसकी. ठीक है, मेरे को टॉपिक आया, आपको भी टॉपिक किसी ने दे दिया, आप में से कोई ना कोई, ये आई डोंट नो हु इज टीचिंग अमंगस्ट यू पीपल द मल्टीवेयर टेक्निक्स विच यू हैव बीन डिस्कसिंग और समबडी हैज स्टडीड इट, नॉट आई डोंट नो एग्जैक्टली, पर मुझे लगता है जो देल यूनिवर्सिटी के कल इंट्रोड्यूस कराए थे एक फैकल्टी, मुझे लगता है इकोनॉमिक्स में जरूर होंगे सब पढ़े होंगे, सब ये तो कुछ जरूर पढ़े होंगे, लाइक फैक्टर एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन विच इज वेरी वाइडली यूज फॉर सो मेनी रीजंस इन सो मेनी एरियाज, and maybe discriminant analysis, and of course the next topic, the structural equations model,
is one of the most important for the e-commerce people, if not for others. तो वो उन्होंने पढ़ा हुआ. सो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग है, ये सब जो टेक्निक्स हैं हम कर रहे हैं, ये सब इतने रोजमर्रा में. अब ये मसला आप में से कोई कहे कि हमें तो क्या जरूरत है, हमें तो बस एग्जाम पास करना है, क्लास पढ़ानी है, ठीक है, लेकिन क्या आप में से कोई वर्ल्ड वेव में नहीं जाएगा? आई मीन आपके स्टूडेंट इवन फैकल्टी आरबीआई नहीं जाएगा? मेरे कभी गए में नमाज में आरबीआई में और दूसरे जो हमारे ये बैंक है उनको छोड़िए, कॉमर्शियल बैंक, उनमें तो इतने सच है तो, लेकिन वेरी फ्यू में भी है. बट जो इन द बैक ऑफ माइंड हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं बहुत सारी, वो ऑर्गेनाइजेशन एंड इंक्लूडिंग दी जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमको रो डे टू डे लाइफ के लाइफ को आसान बनाने के लिए जिन्होंने हमें दिए, ये सब के सब ये रिसर्च करते हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं. वही टॉपिक, वही एरियाज जो आप पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, उनमें से ही वो लोग बैक ऑफिस में बैठ के हम सबका काम आसान करने के लिए ये सब इस्तेमाल करते हैं. दिस इज माई नॉट परसेप्शन, दिस इज माई एक्सपीरियंस. ये मैं उनको तो मिलता है चीजें, तो ये कैसे बन, कहीं से तो आए. अब हम क्यों कहते हैं हम तो बैकवर्ड कंट्री इन सो मेनी वेज. अभी अभी की बात में देखिए, अब ये चीजें अब जो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आते हैं कि वेयर वी आर प्लेस इन द टॉप, हम करप्शन में कौन से नंबर पे, वो भी बढ़ता जा रहा है, यानी कि बढ़ता न सिर्फ घटता जा रहा है, घटिया भी कैटेगरी में शामिल होते जा रहे हैं. कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इंडेक्स में आएंगे ना, उसका डिफरेंट पैरामीटर्स लेते हैं, डिफरेंट डाटा कलेक्ट करते हैं और उसको क्लब करके एग्रीगेट करके रिसर्च करके आपके सामने रख देते हैं इन रैंक प्लेयर्स. नीचे से लिख गया तीसरा चौथा नंबर है, हो सकता है थोड़ा इंप्रूव कर गई ईमानदारी कई मन बड़े शापित तरीके से करते, पता नहीं चलने देते. जहां देश अभी भी क्रॉस होकर भीख में रहा हो, आप देखते हो जन अभी क्रॉस किया मैंने, मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी सीधा लोक करके, भीख मांगने वाले में लाइन लगी हुई है, नंबर के सामने जाइए, भीख मांगने वाले हो जिनको आप प्रसाद लड़ते कहां डेवलप में, हम करें डेवलप है, हम सुबह शाम तक हमारी सरकार भी कहती है डेवलप्ड है. मेरी दुखती रग है ये सब जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, आप मुझे जानते हैं दुखती रग जो बहुत ज्यादा पीच करती जाती है जूते में कील, मेरी चीज से ग्रस्त हूं, स्वास्थ्य भी इसलिए खराब है, उन्होंने तो मेरी भी इतनी जितने आपके क्या नाम की है डॉक्टर जनरल साहब की, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, पर वेट में बहुत अंतर है जमीन आसमान का. समस्या बहुत ही समस्या आती है, कितने कमजोर लगा लो कोई काम नहीं करता. ये एक्चुअली मैं पढ़ाया तो पढ़ा और पढ़ाया तो ये सब्जेक्ट, लेकिन अब इसमें इंटरेस्ट कम, दूसरे में ज्यादा इंटरेस्ट बन गया कि भीड़ मांगते जब देखते हैं ना किसी को शॉर्ट पे क्रॉसिंग पे घर पर पर्ची लेके आ जाते हैं लोग करके दान दान नहीं मांगते भीड़ मांगते हैं, वो कोई हरिद्वार में मंदिर बनवा रहा है जी, पता नहीं कोई कुछ बनवा रहा है, क्योंकि ये भीख मांगने के तरीके निकाले हमारे देश में. अरे मेरे गांव में अपने जाऊंगा उधर ही डालने के लिए, तो कहने का मतलब है उन्होंने जो डाले हुए और मैं उस चार्ट को देख के समझ गया मैं कहां प्लेस्ड हूं, आई मीन मेरा कंट्री कहां है, डिफरेंट पैरामीटर्स, ठीक है, एग्रीकल्चर चाहे सोशियो इकोनॉमिक चाहे और डेमोग्राफिक वह किसी तरीके से भी ले लो, पेंशन इंडेक्स मेरे शायद हमसे पीछे कोई हो, पेंशन बनाने में तो सब माहिर सब परफेक्ट विदाउट एनी ट्रेनिंग. कमाल की बात देखो, हर गलत चीज के लिए कोई स्कूल नहीं है और हर ठीक के लिए गरीब गरीब स्कूल है, फिर भी कुछ ठीक नहीं सीखता, बहुत कम सीखते हैं लोग. आपने देखा कि घटिया से घटिया चीज उनको काम सुबह शाम तक करते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उनकी कई ट्रेनिंग कोचिंग का आपको दिए कहीं किसी ने, मेरे दिन झूठ बोलने की ट्रेनिंग किसी ने, कहीं भी किसी ने नहीं दी चीट करने की, फिर भी करते हैं सुबह शाम तक. लेकिन अल्फाबेट सिखाने से लेके और बहुत सारी चीजें से हमने आप बोल रहा हूं आप बैठे, द टाइम इज नॉट फार अहेड फॉर सो मेनी पीपल ऑफ यू, आप भी नहीं करेगा दूसरी जगह जाएंगे उनकी जगह और बैठा हुआ, ये चक्र है चलता रहेगा. कभी जब मेरी ऐसे बैठा होता था मेरे को ऐसे में भाषण देकर चला जाता था, ये चलता रहेगा चक्र. मेरा कहने का मतलब यह है कि सुबह से शाम तक अच्छी चीजें इतनी हजार ट्रेनिंग जाती है
फिर भी अच्छा नहीं होता है, और हर गलत चीज जो कहीं कोचिंग ट्रेनिंग में होगी फिर भी गलत हो चला जा रहा। एंड वी आर सो परफेक्ट, अब तो कंपटीशन इस बात का है, जैसे एड आती है ना, इसकी कमीज मेरी से कमीज से सफेद कैसे, या इसकी साड़ी मेरी साड़ी सफेद कैसे, अब आ रहा है ये मुझसे ज्यादा कमीज कैसे हो सकता है, इससे मैं कमीज लेकर दिखाऊंगा, मैं हूं सेवा घटिया। अब कंपटीशन इस देश में इस बात का हो रहा है, प्रॉब्लम इस देश, दैट्स वाई हमारा देश इन इंडिकेटर्स में से जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनसे मैंने शुरुआत की, नक्शे की या मैप की या डायग्राम की, वहां से उनका इस्तेमाल, और एक दिन में चार सामने आया और पता चल गया कि हम कहां खड़े, हम तो खड़े नहीं, हम तो पड़े, एग्जैक्टली हम तो पड़े हुए हैं जमीन पर, गंध से लेकर गंध, वो जगह वो सबसे सुथरी होनी चाहिए, साफ सुथरी, वेल क्लीन, बस अड्डा देश का, स्टेट का, शहर का, या सबसे गंद मिलेंगे। जम्मू कश्मीर 2 साल बस अड्डे पर खड़ा नहीं हुआ जाता था, सामने से निकला नहीं जाता था। अगर दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो वो जम्मू कश्मीर में, और नरक है तो भी नहीं, मैंने देखा 2 साल बस अड्डे पर जम्मू कश्मीर कटरा यूनिवर्सिटी में रहा, कहां कहां का किस्सा सुनाओ, कितने यहां रिसर्च नहीं कर लो, मैंने उसे कहा कोई फायदा नहीं सर्च करने का, करवाने का है विद दिस, बैठे हुए जिसमें बाहरों वाले कर रखी है उसी को इस्तेमाल कर लो, थोड़ी बहुत तो काम कर लो। नाउ कम टू द पॉइंट विद दिस इंट्रोडक्शन, अब मैं इसमें ये सब क्या कि आप में से कई घर घूम रहे होंगे, अब यही आ रहे होंगे, मैं भी वही हुआ हूं, दुनिया में कुछ और चल रहा है ना साथ के साथ, ऐसा ही होता है हम सब के साथ। ये बटन है क्यों हुआ इसको, एक मिनट बोले इसका ये बटन है, हाँ पावर, ये जो आदमी का दिमाग है ना ये बड़ी वर्सेटाइल मशीन है, जो आदमी का ब्रेन ही मल्टीटास्किंग मशीन है, एंड दिस इज नॉट वर्चुअल, दिस इज कंप्यूटर इज वर्चुअल, आपने इसको बनाया, दिस इज यू, एंड दिस इज दुनिया में इससे खतरनाक जगह दुनिया की कोई नहीं, हाँ ऑफकोर्स अच्छी भी पड़ेगी, कोई अच्छा भी नहीं चाहिए, बुराई भी नहीं चाहिए, आप चलना स्टूडेंट्स यूज टू से कैसा देश में कैसा रहा पड़ा, मैं कहा देश में नहीं रहा पड़ा, देश के दिमाग में रहा पड़ा, तो दिमाग में सफाई नहीं आएगी तो किसी को साफ कौन करेगा, और सिम्पल। सो अब कम टू, क्योंकि मैं भी कहीं और ही घूम रहा था तो मैं भी यही आ गया आपके साथ, अब चल सकते हैं। मार्केटिंग की बात करें, मैनेजमेंट के आप वही सब पढ़ाते हैं, तो वो दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात थी, ऑल्दो दैट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, बट आपको नहीं लगता मैनेजमेंट कुछ है ही नहीं, या कुछ है बट हाइप बड़ी है, जिसने एमबीए कर रखा, हाँ कुछ होगा, मैंने कहा मैंने तो एमबीए नहीं करी, तो मेरे एक कलीग बोले, वो एमबीए थे, जब मैं हेड बन गया भाई दिए डिपार्टमेंट का, कहते ये कैसे हेड बन गया, इसे तो एमबीए नहीं करी, मैं भाई बात तो ठीक, तो फिर फिलिप कोटली की किताब क्यों पढ़ते हो, उसने एमबीए भी नहीं करी, मैंने वो मार्केट मार्केटिंग के एक्सपर्ट आपके सभी जानते हैं, आप जिन्होंने एमबीए करी है, व्हाट इज द क्वालिफिकेशन और सीन द क्वालिफिकेशन ऑफ द फ्लिप कोटला फर्स्ट पेज, या मैडम देखिए ना, और आगे चलिएगा लाइन, पहला पेज पढ़िएगा, इज बेसिकली ट्रेन मैथमेटिशियन ऑल्सो, डीएससी पीएचडी एडवांस डिग्री डिप्लोमा, उनके सब स्टैट मैथ इकोनॉमिस्ट का कॉम्बिनेशन है, ये कहना मुश्किल है कि इकोनॉमिस्ट है, मैथमेटिशियन है, स्टैटिशियन है, आप बता नहीं सकेंगे उनकी क्वालिफिकेशन देख के, इन ही इज बेस्ट सेलर ऑफ मार्केटिंग बुक्स। मैंने उनको सवाल किया, मैं नहीं गया, एक साल डायरेक्टर थे जहार शाह, ट्रेन स्टैटिशियन, नॉन भी नॉट पीएचडी उसमें, और देर मेनी पीपल लाइक दैट, हार्वर्ड, प्रोना, डिग्ना,
बिकॉज आई हैव बीन यूजिंग, फिर मैंने सर्च करना डाटा शुरू किया, यार कहीं गलत तो नहीं मिल रहा हूँ, घर में कोई मुश्किल खड़ी हो जाए, कोई चैलेंज कर दे, हटवा दे या कोई धमका दे, चलता रहता है। तो फिर आई कैन एनीवे, सो ये इंटरव्यू वालों के अंदर थोड़ा सा ये एक कॉम्प्लेक्स सा है, और मुझे भी लगता है कि वाकई में ये बेहतर है, काश में भी एमबीए होता शायद कुछ अच्छा होता। सो अब मार्केटिंग की बात करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बातें थोड़ी देर के लिए पीछे। मार्केट रिसर्च में पीपल आर इंटरेस्टेड इन कंज्यूमर परसेप्शन ऑफ कोर्स, क्योंकि अब परेशान हो कंज्यूमर चाहता क्या है वही हम बताएं, कि वो तभी दिखेगा। कंज्यूमर परसेप्शन ऑफ सिक्स कैंडी बार्स की बारे छोटे छोटे एग्जाम्पल है। इंस्टेड ऑफ ट्राइंग अब इतने तरह की ये प्रोडक्ट, चाहे खाने के हो, पहनने के, ओढ़ने के हो, कंप्यूटर हो, टीवी हो, वाट एवर, ये पंखे शंखे वगैरह की इस्तेमाल की चीजें, तो वो इतनी सारी है। आजकल ये चश्मे को देख के आ जाएगा, बाप बेटी जाते हैं कहते वही फंकी वो खरीदता है एक चश्मा, बड़ा सस्ता सा मिल गया, वो बाप बेटी है वो, तो वो चश्मा बड़ा सस्ता मिल गया। यानी कि हर प्रोडक्ट, एवरी प्रोडक्ट यू इन योर टीम लाइफ, समस्या बेचने वाले बनाने वाले की दोनों फलीफेट एक था, हमारा बजाज कोई समस्या किसी को नहीं थी, न बनाने वाले को थी न खरीदने वाले को थी। अब बनाने वाले दुखी और खरीदने वाले और यूजर बेचने वाले सब दुखी, बट ये तो अब टेक्नोलॉजी का जमाना एडवांस हो गए ना हम बहुत ज्यादा, ये एडवांसमेंट की देन है। इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू गेट टूगेदर इंफॉर्मेशन अबाउट कंज्यूमर सिवेलेशन और दी परसेप्शन दी कैंडी बार्स ऑन ए नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, द रिसर्चर विल इंस्टेड गेदर ओनली परसेप्शन ऑफ ओवरऑल सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज। ये प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी प्लेंटी हो रही है अब दुनिया में, जो मेन थी चीजें हुई दूसरी समस्याएं थी, अब बहुत बहुत आए इतनी समस्याएं हैं, बहुत ज्यादा है सब कुछ, वो उसकी समस्याएं, तो अब वहां सिलेक्शन हो चाहे बेच रहा हूं चाहे खरीद रहा हूं, वो सबके लिए सरदर्दी है। अब यहां हम जो काम कर रहे हैं वो उस कॉन्टेंट वाला नहीं है, थोड़ा फर्क है, ये लिखा है ना, रिसर्चर विल स्टेप गैदर ओनली परसेप्शन ऑफ ओवरऑल सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज। ये बड़ा कॉमन हम लोगों के संग रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याएं कहिए, आदत कहिए, या सोच कहिए, या जो भी कुछ कहिए आप, कि यार ये क्या ये आदमी को निकल रहा है ना, ये औरत निकल रही है, ये ऐसी नहीं लग रही है क्या, मुझे तो ऐसी लग रही है, या ये कटरी नहीं जैसी लग रही है, कोई ये तो ऐसा लग रहा है मेरे को हीरो सा। हाँ ये ह्यूमन नेचर, आई थिंक ऐसा कुछ नहीं है इसमें, वी आर ऑल इन द सेम कैटेगरी। सो सिमिलरिटी डिसिमिलरिटीज की बात हम यहां करेंगे, राधा डेन जो हमने कॉन्जुरेट एनालिसिस में किया था वो नहीं, सिर्फ यहां ही है। डेटा टिपिकली गैदर्ड बाय हैविंग रेस्पोंडेंट्स गिव सिंपल ग्लोबल रेस्पॉन्सेज ऑफ द स्टेटमेंट लाइक दिस, थ्री रेट द सिमिलरिटी ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी ऑन ए 10 पॉइंट स्केल एज यूजुअल। जैसे आप सर्च करते हैं इसमें रेटिंग करिए, रैंकिंग करिए 10 पॉइंट की, ए आप अपने आप को मुंशी को कितने नंबर देंगे, वही वाला मसला, यहां भी देंगे नंबर, बताओ जेपीसी को कितने नंबर दिया आपने, सुना है मैंने सुना है, अब सच एकदम झूठ है, आपने तारीफ तो कर दी है पर उसमें बट शर्ट लगा दी है बीच में, कह रहे लेक्चर तो बड़ा अच्छा था लेकिन थोड़ा ऐसा होता तो वैसा होता, अब शादी में कितना खाना अच्छा बन जाओ, थोड़ा मिर्च कम थी कई लोगों को, दूसरा वही कहा गया यार मिर्च थोड़ी ज्यादा थी, मीठा थोड़ा कम था, तो वही कुछ मेरे समझ हुआ कि लेक्चर तो ठीक था पर थोड़ा सा रेडीमेड सा एग्जाम्पल भी क्लियर कर दे जा रहा था कि हमें कुछ न करना पड़ता, हम उसी में डाटा फिट करके अपना एनालिसिस कर लेते, भाई मैं अपने तरीके से पढ़ाऊंगा और अपने तरीके से पढ़ाया आज भी ऐसे ही करूंगा। मैंने बहुत सारा अपनी लाइफ में स्टूडेंट्स को कंफ्यूज किया, डेलीबरेटली कंफ्यूज किया, ऑनेस्टली शेयरिंग विद यू, आई यूज टू कंफ्यूज दिस टू वेरी फर्स्ट डे, रीजन इज सिंपल, इफ ए पर्सन इज कंफ्यूज टूडे टूमोरो He will be clear. जो कंफ्यूज है ये रिफ्यूज है, एवरीबडी विल यूज इट, सो सिंपल, सो बी कंफ्यूज डोंट बी फ्यूज। आई यूज टू कंफ्यूज सो दैट वी कंफ्यूज हो गया दिमाग में, इसके लिए कुछ उछल पुथल कोहराम मच गया, तो कल ये क्लियर होके रहेगा कहीं ना कहीं से। और आज की तारीख में आज इसलिए कह रहा हूं बार बार ये बात मैंने परसों नरसों भी बोली थी परसों भी कि भाई इंटरनेट का जमाना है, आपके पास अगर इंटरनेट फैसिलिटी है तो
आपको कोई चीज डिक्शनरी किताब भी रखने की जरूरत नहीं है घर पे, एवरीथिंग ऑनलाइन इंस्टेंट की दबाइए। मैं अब ये कर रहा हूं, मैं भी ये कर रहा हूं, किताब कहां से लाऊं, रिटायर हो गया कुछ, अभी तो खरीद उठा कर रहा हूं, क्विंटल रोज तो है पर रखी पड़ी डंप, फोन खोले डिब्बों में बंद है, इंटरनेट निकाला जिसके लिए परफेक्ट में क्या अंतर है, रेडीमेड मुझे डायग्राम चाहिए, डायग्राम मुझे बनाने नहीं आते बहुत सारे, मुझे चाहिए था कि आपको दिखाना था, मैं क्लिक मारा डायग्राम सामने आ गया, चार्ट बना सामने आ गया, कहां मुश्किल है पढ़ना लिखना, अब तो बहुत आसान है, बहुत आसान है एक्चुअली, बस समस्या यही है कि अब मेनी ऑफ यू आर यूजिंग दैट टेक्निक टूल्स वो कर रहे बट थोड़ा सा नॉट एवरीबडी, एडिटर होने के नाते मैं जनरल का दो साल रहा हुआ तो कट पेस्ट ज्यादा करते हैं, उसको लिंक भी नहीं बनाते हैं रिसर्च आर्टिकल्स में, वो तो फ्री में डाली मेरे इंफॉर्मेशन, वो आपके मेरे इस्तेमाल के लिए, लेकिन उसे अपने तरीके से मोर तो करें, मॉडिफाई तो करें, वो तो हम करें, वही कैन डू। सो एनीवे रेयर द सिमिलरिटी प्रोडक्ट एम बिल्ड विद टेलीफोन स्केल, ये रिसर्च के लिए आपके लिए, प्रोडक्ट इज मोर सिमिलर टू बी देन सी, आई लाइक प्रोडक्ट ए बेटर देन प्रोडक्ट बी। इसी तरीके के क्वेश्चंस आप जब क्वेश्चनर बनाते हैं, दीज आर सम सिंपलेस्ट और ग्लोबल क्वेश्चंस, इज इट लाइक दैट और नॉट लाइक दैट, होपफुली इट इज लाइक दैट, तो आप सब नाम शो एंड ऐसी रिसर्च कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो करेंगे निश्चय। नाउ वी इलस्ट्रेट दिस प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए परसेप्शन मैप विद द डेटा फ्रॉम ए सिंगल रेस्पोंडेंट, ये सवाल परसों वर्षों में किया था, वो डाटा भी उसमें सिंगल रेस्पोंडेंट का था, आप उसमें और रेस्पोंडेंट में और जोड़ते जाइए 18 से, या उन सबका एवरेज लेके भी एक तरीका हो सकता है उनके स्कोर्स का। एनीवे सो वी इलस्ट्रेट दिस प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए परसेप्शन मैप विद द डेटा फ्रॉम ए सिंगल रेस्पोंडेंट, although this process could also be applied to multiple response or the aggregate response of the consumers as usual, jo aap karte rahenge aur karenge. The data are gathered by the first creating a set of 15 unit pairs of 6 candidates, 15 6 by 6 ki agar matrix banaye to like matrix ka jo contiguous table jaise aapki hoti hai na, chi square ki aapne dekhi hogi sabhi ne, chi square table ya contiguous table ya matrix जो फॉर्म में, तो कॉलम रोज में डाटा रख दें, इधर भी एबीसीडी और इधर कॉलम में भी एबीसीडी और फिर उनका स्कोर्स, तो ऑब्वियसली आप देखेंगे कि आपके 15 प्लेयर्स ही यूनिक प्लेयर्स बनेंगे उसमें से, इज इट सी, ये हम अभी देखेंगे, अभी आगे टेबल में मैंने बना रखा है। तो रेस्पॉन्ड इज देन आस्क्ड टू रैंक द 15 कैंडिडेट बाय पेयर्स ए बी ए सी ए डी अप टू लास्ट वन, सिमिलरली बी सी बी डी ऐसे, वो ऐसे बनेंगे यूनिक पेयर। The results of the or the ring orders of all pairs of candy bars for one respondent are shown in the next table. ये table है आपके candy bars A B C D E F A B C D E F और ये जो 213 maximum 15 indicate the one indicate the most similar pair and 15 the least similar pair. तो ये 15 पॉइंट स्केल पे किया गया है डेटा है। तो अब आप जैसे हियर टू मींस ए बी आर मोस्ट सिमिलर ठीक है, मोस्ट सिमिलर पेयर वन, अगर जहां हुआ वन, हाँ वन भी है इसमें, डी ई यू आर दी मोस्ट सिमिलर और मोस्ट क्लोज टू ईच अदर। अब ये क्वेश्चन ये नहीं है कि ये कैसे, ये ओवरऑल आपका जजमेंट है, ओवरऑल इट लुक्स लाइक दैट कि दीज आर वेरी क्लोज। अब मैं गांधीनगर गया, गांधीनगर आपका कैपिटल ऑफ गुजरात, और चंडीगढ़ काफी कई बार गए, दो तीन बार गांधीनगर भी गए, अहमदाबाद में रहते हुए बाद में भी गए, तो मैं जब चंडीगढ़ सॉरी गांधीनगर पहुंचा तो जैसे ये हम बात करें ऐसे ही नहीं आ गए, ये तो बिल्कुल चंडीगढ़ जैसा लग रहा है। आपने गांधीनगर और चंडीगढ़ दोनों देखे किसी ने? चंडीगढ़ तो बहुतों ने देखा होगा है ना, पर गांधीनगर शायद सबने नहीं, या किसी ने भी नहीं देखा, नहीं कोई नहीं गांधीनगर, तो भाई कम से कम कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, ये तो कमाल हो गया। चलिए अब जाइएगा,
तो आप जब चंडीगढ़ वहां पहुंच जाएंगे गांधीनगर में, तो आपको लगेगा कि वाकई चंडीगढ़ में घूम रहे, वही सेक्टर 1, 2, 3 वगैरह वगैरह, और वही लेआउट, वही सब कुछ। तो अगर आपको लिमत आओ और ऐसे ही छोड़ में जाके ग्रीन फील्ड थोड़ा सा हो सकता है डिफरेंशिएट आप कर लें, बट गांधीनगर इज ऑल्सो कंसीडर्ड ग्रीनेस्ट सिटी ऑफ द एशिया, फॉर इंफॉर्मेशन, वन ऑफ द ग्रीनेस्ट सिटी ऑफ द एशिया गांधीनगर। तो वो भी शायद इतना प्रॉब्लम ना हो, बट इवन यू कैन जज ट्रैफिक जैम ही आपकी जजमेंट पे। बट मेरे को लगा कि चंडीगढ़ और गांधीनगर बिल्कुल एक जैसे, नो सिमिलर इन मीनिंग्स, तो बिल्कुल यही परसेप्शन जैसे हम दूसरी चीजों के बारे में, और मैंने कुछ नहीं देखा कि ऐसा ही लग रहा है मेरे को, कितने वैसा ही लग रहा है मेरे को वो वाला है। सो ये अब आपका इससे हम देखते हैं कि कैसे हम परसेप्शन मैपिंग, अभी दो तीन लोन अभी मल्टी डायमेंशनल के लिए परसेप्शन मैपिंग वगैरह वगैरह, उनसे हम कैसे बेसिकली हम वैसे भी जो ग्राफ बनाते हैं या पिक्चर्स बनाते हैं इसका क्या यूटिलिटी, हम सबसे पहले बच्चों को नहीं पढ़ाते, पहले दिन क्लास में स्टैटिस्टिक्स अगर पढ़ाएंगे तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा ग्राफिकल वगैरह वगैरह, उसका बेसिक सिंपल एज यू आर ऑल अवेयर है कि ये कि जो विजुअल्स होते हैं ना, वो एक तरीके से आपको सारी इंफॉर्मेशन को क्लब करके एकदम बता देता है चार्ट आपको कि कहां स्टैंड करते हैं इन चीजों में। टेबल में अगर डेटा दिया तो आपको ढूंढना पड़ेगा कौन सा सबसे छोटी कौन सबसे बड़ी, लेकिन अगर आपने बाइडर लाइन बना दिया या चार्ट बना दिया ग्राफ बना दिया तो इमीडिएटली कहेंगे दिस इज द लार्जेस्ट दिस इज स्मॉलेस्ट स्लाइड बैट। तो यहां भी वही चीजें जैसे मैंने कहा कि मेरा हिंदुस्तान देश कहां लड़ाई करता है इस मैप में, डेवलपिंग कंट्री या डेवलप्ड कंट्री, तीन चार तीन कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है दुनिया के देशों को, डेवलप्ड डेवलपिंग लीस्ट डेवलप्ड लीस्ट डेवलप्ड एलडीसी लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, और तो कई तरीके क्लासिफिकेशन किए हुए वैसे, बट ब्रॉडली तीन, उसमें हम मेरे ख्याल से अब तो लिस्ट में तो नहीं आते सर, लिस्ट में आते कोई कम्युनिस्ट बताएंगे मेरे को कहां डेवलपिंग, हाँ थोड़ा सा बेहतर हो गया है इसका मतलब ये हुआ, पर चलो होपफुली बेहतर हो जाएंगे। तो यानी कि हमें अभी जो भी पता चल गया कि उस मैप को देखेंगे तो ये लिस्ट है, ये एलडीसी है, ये डेवलपिंग है, ये डेवलप्ड है, ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दैट टेबल, वी ऑब्जर्व फ्रॉम द टेबल दैट बी एंड बी आर मोस्ट सिमिलर, जैसा अभी आपने देखा ए एंड बी आर द नेक्स्ट मोस्ट सिमिलर, ऑफकोर्स उसके बाद उनका दो रंग था शायद एक था, ई एंड एफ आर दी लीस्ट सिमिलर, और उसमें से देखें 15 साल उनका उसका वो आपने रेटिंग रैंकिंग दे रखी थी, तो दीज आर दी लीस्ट सिमिलर। ये टेबल को हमें देख के अंदाजा हुआ और हमने मतलब सब ने कि